बच्चों ने इनको देखा था, ये जो भी सामान है तो अंदर बिखरे हुए हैं, तो भी पता नहीं, मुझे तो टाइम मिला नहीं, पर अब बनानी शुरू करती हूँ। लड़ा मत दो नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये मेरी गुड़िया हो चुकी है तैयार। आप सब कैसे हैं और मॉर्निंग की शुरुआत किस काम से की है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ बन रही है आलू चिप्स। बच्चे चित्र इसको बोलते हैं आलू चिप्स। रुको रुको, ये आलू चिप्स के दीवाने दोनों। रुको 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 रुको, तो है ना ये दोनों दीवाने हैं। और भगोली में मैंने इसलिए तेल लिया ताकि पूरी तरह डूब जाए, कढ़ाई मिले तो बहुत सारा लेना पड़ता है। हाँ जी, तो हेलो गाइस, वेलकम टू गमो राजस्थानी चैनल पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज इन दोनों ही बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया है, बस आप देखते जाइए क्या क्या करते हैं मेरे साथ। पहले एक था, अब दो हो गए। तो बताइएगा आलू चिप्स किसकी खास है, मतलब किसको अच्छी लगती है। मैं तो कभी मार्केट से जाती हूँ, कहीं देखती हूँ तो खाने का बहुत मन करता है, लेकिन वहाँ से लेते हैं ना तो मतलब इतनी ज़्यादा मिर्ची होती है उसके अंदर, नमक और मिर्च, फिर जो है लेके फिर पछताते हैं। और 20 रुपए की आती है थोड़ी सी। मेरे को अच्छा लगता है, तब भी मैं ज्यादा मिर्च वाला खाता हूँ। तुम मिर्च डाल लेना ज्यादा, और क्या। अब इतनी बनाऊंगी। और दिव्या को आलू चिप्स पसंद नहीं है, इसलिए दिव्या की बना रही हूँ दूसरी वाली। ये शायद ये चिप्स है, वो झक्का चिप्स है, और शायद ये है राइस वाले, चावल वाले। थोड़ा तेल ठंडा कर दें क्योंकि ये पतले हैं ना, जल जाएंगे। और ये दोनों यहाँ खड़े खड़े चर रहे हैं। चर क्या आपने, क्या तेज तेज मत कर, तेज मत। दूसरा ले ले, चित्र ले दूसरा। दो तीन दिन पहले मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया था, और उसमें मेरे स्कूल के बारे में और मेरे वीडियो के बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ था। और उस कमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ है। और इसके अलावा जो रिप्लाई में कमेंट आया था, एक दो कमेंट ऐसे भी थे जिसमें कहा गया था कि हाँ आपकी बात तो सही है, अगर ये 12 बजे वीडियो अपलोड करती है तो स्कूल की ड्यूटी कब करती है। तो तब मुझे जो है जाकर कुछ पता चला कि हाँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलतफहमी है, और उस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि मैं स्कूल में वीडियो अपलोड करती हूँ या नहीं करती हूँ। आप इस वीडियो को आगे ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो अनपढ़ औरतें वगैरह हैं वो तो यही सोचती होगी कि इसने अब भी वीडियो लगाया है, तो आगे सुनिए और पूरी बात को समझिएगा। पूरा कभी नाम लेता है मम्मी मम्मी, हम ध्यान ही नहीं देते, बात को घुमा के कुछ और बोल देते, अरे वो बाहर कुत्ता आया लंबी पूंछ वाला, ऐसा कुछ बोल देते हैं, या कहते अरे तेजू गिर गया तेजू को मारते हैं तो फिर भूल जाते हैं। ये है मेरा बेटा जो एकदम जल्दी से आसानी से तैयार हो जाता है, और ये है मेरा भतीजा जो मेरे से नखरे करवाता। क्या कह रहा था? अच्छा मम्मा के पास, अभी मुझे बोल रहा था आप हम मम्मा के पास बढ़ रहे हैं, ओके याद रखना, ऐसे बोल रहा था। मम्मा आपने बोला था ना आप पूरी और सच लोगी, आपने बोला था ना बस में सड़ने से पहले आप पूरी और सच लोगी। ओरियो और चिप्स तो वो चित्रांश के लिए, तेरे मना किया हुआ है। मजाक कर रही हूँ, गरम पानी की। तो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरे वाले में से ले लेना, मैं दे दूंगा। और इसके बाद बच्चे तैयार कर लिए मैंने, और इनको मैं कहीं पर किसी के पास छोड़ के फिर स्कूल जाऊंगी। तो इनको मैंने छोड़ने के लिए ये मैं जा रही हूँ, इसके बाद स्कूल का टाइम है। तो कमेंट जो था ना उसके रिप्लाई में मैंने जवाब दिया था, और काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी होगा, और लेकिन उन भाई साहब ने वो कमेंट ही हटा दिया था। मैं चाहती थी स्क्रीन शॉट ले लेती लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझे सब्जी लाते हुए बहुत कम देखा होगा, लेकिन अब सर्दियाँ आई है ना, सब्जी की यूँ अच्छी लग रही है, मतलब अंदर से तलब लगी है कि सब्जी खाएं सब्जी खाएं। और कल परसों तेजस ने भी मुझे डांटा था कि अच्छे से सब्जियां लाया करो, उसके अच्छे अच्छे का कहने का मतलब है कि पालक पनीर हो, पालक मटर, मटर पनीर हो, इस तरह की, वो तो हाई फाई सब्जियों की बात कर रहा था। लेकिन अभी मैं सब्जियां लेके आई हूँ, ये दिखाती हूँ आपको, लाई हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल ही है। वैसे आलू लाई हूँ जो अभी मैंने धोए नहीं है, ये सब्जी बनाऊंगी तभी धोऊंगी, वैसे ही धोने पड़ेंगे वापस, और ये अकेले ही रहते हैं। और इसके बाद ये गोभी जो कि नॉर्मल मैंने पानी से 2-3 पानी से धो दी है। मटर लाई हूँ कुछ, ये है, बाकी मैंने छील लिए हैं उस साइड सब्जी बनाने के लिए। ये वाली मिर्ची जो कि
जोधपुर के गांव के, कौन से गांव की, काफी फेमस है, मैं भूल गई अभी उसका नाम, और मैंने बहुत देखी है, मतलब हमारे उस साइड नहीं आती है लेकिन बाड़मेर और गांवों में या बायतू की साइड ये बहुत देखी, लेकिन मैंने खरीदी पहली बार। और इसके बाद हरी मिर्च, जिसमें ये कुछ मैंने पुरानी वाली मेरी रखी है, बाकी हरी मिर्च लाई हूँ, और टमाटर लाई हूँ, और अदरक लाई हूँ, और गाजर लाई थी जो आदि बच्चों ने खा ली है, और मैंने बोला मैं हलवा नहीं बनाऊंगी तो फिर उन्होंने खा ली, वरना वो बनाने के लिए वेट करते। और हरा धनिया, बस इतनी सब्जियां मैं लेके आई हूँ आज, और अब बनानी शुरू करती हूँ। तो आज तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने सब्जियों की दुकान ही लगा दी है, मतलब मुझे तो ज्यादा ही लगेगी क्योंकि मैं बहुत कम सब्जी लाती हूँ ना। चित्रू के मम्मी चित्रू के कुछ लेकर आई थी और यहाँ पर छोड़ के गई है, और जब हम घर पे नहीं थे तब, अब देखते हैं क्या है इसमें, कितना प्यार फूटा है। मतलब बच्चा जब दूर जाता है ना तो फिर है ना माँ बाप के यूँ धड़कने बढ़ जाती है, दुख 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 ऐसे हो जाती है। क्या हुआ, सो जाए तो अब बताऊँ खोल के क्या क्या है इसमें। वैसे तो खरीदते ही हैं कपड़े, पास में होता है तब, अब कुछ ज्यादा खरीद। सोजे बच्चों ने इनको देखा था, ये जो भी सामान है तो अंदर बिखरे हुए हैं, तो भी पता नहीं, मुझे तो टाइम मिला नहीं, अब देखती हूँ। मॉर्निंग है, सुबह 5 बजी है, आप सबको गुड मॉर्निंग। और इसके अंदर और भी है, ये मास्क है, ये ब्रश है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, शूज लग रहे हैं, ये भी बच्चे उठे नहीं हैं, मेरे हाथ में एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये है इसके बूट, क्योंकि इसके पास सैंडल थे, मुझे लग रहा है ये छोटे होंगे, पता नहीं, बच्चा ने पहना है छोटे होते तो बता देते, कितने क्यूट है ना। मुझे है ना छोटे बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत पसंद, मतलब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी बहुत पसंद थी, आप में से भी होगा लोगों को पसंद, तो उस टाइम मैं सोचती थी बच्चों को है ना बड़ा ना होने दूँ, कैसे भी करके ऊपर बाहर दे के रख दूँ, क्या करूँ। इसके बाद सेकंड है, ये देखिए कितनी क्यूट टोपी लाए, मतलब भाभी जी है ना बच्चों के कपड़े खरीदना तो अच्छे से सीख गई, बहुत क्यूट है और उस पर जचेगी भी बढ़िया। मतलब मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं है कि मैं ऐसी सुंदर चीज़ें ला सकूँ, थोड़े बड़े हो गए हैं। फिर ये स्वेटर, वाओ वेरी नाइस कलर, सच में कितना बढ़िया कलर है, ये हैंडलूम से लाए हैं सारा सामान शायद, अच्छा है स्वेटर, बहुत अच्छा, वाओ ऐसा ऊपर से दिख रहा है जैसे स्वेट वाला कपड़ा होता है वैसा। फिर इसके साथ एक ड्रेस भी है, ये है पैंट चुंदर सी, ये देखिए ये कपड़ा ज़्यादा मोटा नहीं है तो पहनने में थोड़ा इजी रहेगा, ड्रेस पूरी है, बच्चों ने उलट पुलट डाल रखे हैं। ये वाले कपड़े तो इन्होंने जो है इनके पास थे वो वाले पहुँचाए हैं, ये तो साइड में रखे हैं, पुराने हैं। ओहो स्वेटर के साथ एक जैकेट भी है, ये देखो, ओहो तो शर्ट शायद नहीं है क्योंकि इसमें सारे टी शर्ट और शर्ट है, बहुत सारे हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इतना सामान लाए हैं और कुछ बच्चों ने निकाल लिया है तो पता नहीं, सब कितने अच्छे हैं, मतलब छोटे बच्चे के कपड़े खरीदना, जब भाई हमारे बच्चे तो छोटे थे ना, खरीदती तो थी लेकिन उतने खरीद नहीं पाती थी, पता है ये मेरे भाई और भाभी इतने मतलब है ना लालची है, खुद गर्ज है, क्या करते हैं कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं, बैक कैमरा करके देख लेते हैं बच्चे को, बातें करते हुए देख लेते हैं, खेलते हुए देख लेते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, और इससे है ना एक कॉल पर बात भी नहीं करी अभी तक, उनको भी पता है मुझे भी पता है अगर कॉल पे बात करी तो फिर ये रहेगा नहीं, तभी कितने दिन हो गए, शायद 4 दिन तो हो ही गए हैं, अभी तक इसने ना बात की है ना वीडियो कॉल किया है ना कुछ किया है, और वो जो है रोज़ दिन में 3 बार 4 बार वीडियो कॉल करके और इसको खेलते हुए करते हुए देख लेते हैं।
और इसको कुछ हम पूछते हैं तो वो कुछ जवाब देता है, जिससे कि पता चलता है कि इसके यहाँ पर कैसे दिन गुजर रहे हैं। तो इतने मतलब माँ बाप लालची होते हैं, पता है ना, खास करके जब बच्चा दूर जाता है तब और भी ज़्यादा लालची हो जाता है कसम से। मेरे बच्चे भी एक बार मेरे से दूर रहे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है मतलब, कुछ रहे थे, काफ़ी रहे थे, तो तब मतलब वो मन वहीं रहता था, अपने कामों में लगता ही नहीं था। मैं सुबह सुबह बोल रही हूँ, थोड़ी आवाज़ यूँ आ रही है, वैसे ही ऐसी है, कोई खास नहीं है। तो ये कमरे की हालत ऐसी हो रखी है, बच्चों ने कूद कूद के कर दी, अब इसको सही करती हूँ। और हाँ, कमेंट की बात हो रही थी, तो उस कमेंट की रिप्लाई में जिन्होंने भी कहा था ना 12 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, तो जिनको भी नहीं पता है वो मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं रात को 1-1 बजे तक फ़ोन पर काम करती हूँ। तो जो काम करते हैं ना घर के, जैसे ये काम मैं कर रही हूँ, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें तो मेरा ज़्यादा टाइम कुछ भी ख़राब नहीं होता, जो जो काम करती हूँ उसके और आने जाने के जो भी वीडियो वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसको एडिट करने में, थंबनेल बनाने में और कीवर्ड्स ढूंढने में, उनको लगाने में, हैशटैग वगैरह, बहुत मेहनत होती है। और बहुत ज़्यादा जो है वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि टाइम होता नहीं है, तो फिर उसमें से काट पीट करने में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब इसको एडिट वेडिट करने में टाइम लगता है। इसलिए मैं रात को 1-1 बजे तक जाग कर ये सारा काम करती हूँ, और फिर उसको जब सोती हूँ ना तब तक वीडियो अपलोड करने के बाद उसको शेड्यूल कर देती हूँ, मतलब सेट कर देती हूँ कि कल 12 बजे अपने आप वीडियो लाइव हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा और लोग देख लेंगे। तो इतनी तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि स्कूल में बैठ के वीडियो लाइव करूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है कि अभी काफ़ी दिनों से, जब से बच्चों की स्कूल खुली है, मैं 4 बजे के बाद ही आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ। अगर दिन में देती हूँ तो सिर्फ रेस्ट मैं 15 मिनट तक दे देती हूँ, वरना नहीं देती हूँ। इसलिए मैंने बीच में एक बार बोला था कि 6 बजे वीडियो लाइव करती हूँ ताकि हाथों हाथ आपको रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी, इसी टाइम रखूँगी और बाद में स्कूल टाइम के बाद आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।